आ रहा है या सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित तैयारी कैसे चल रही है उसके बारे में बताने वाले हैं। अब हम चलते हैं प्रकरण, पहले ये देख लेते हैं कि आज से कोर्ट खुल रहा है। अब उत्तर कुंजी का मैटर जो है, जो आर्डर रिजर्व है, इसका फैसला कभी भी आ सकता है। इसका फैसला क्या हो गया, कभी भी आ सकता है। जैसे ही बेंच बैठेगी उसके बाद ही जो है फैसला आएगा। तो अब आर्डर में एक क्वेश्चन बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर जाए, यदि हमारा नंबर बढ़ जाएगा तो क्या हमको भी सुप्रीम कोर्ट जाना है। कह रहे हैं सबसे बड़ी प्रश्न है, जिनका नंबर बढ़ रहा है क्या वो भी सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाए कि ना जाए। सबसे पहली बात ये है, जिसका नंबर बढ़ रहा है उसको तो अवश्य जाना है। उसको क्या करना है, अवश्य ही सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। दूसरी बात यह है, क्यों जाना चाहिए, जाना इसलिए चाहिए कि यदि आपका नंबर बढ़ गया और सरकार जाकर के अपोज कर दी, विरोध कर दी, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। सरकार विरोध पे उतर जाएगी। यदि सरकार सपोर्ट में उतरती तो अब तक बहुत पहले ही नंबर बढ़ गया होता, लेकिन सरकार विरोध करती है, इसलिए जिनका नंबर बढ़ता है उनको अवश्य सुप्रीम कोर्ट पहले जाना चाहिए। जिनका नंबर नहीं बढ़ रहा है उनको भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, नंबर नहीं बढ़ा जिनका। दूसरी बात ये, नंबर नहीं बढ़ा, यदि नंबर नहीं बढ़ा है जिन साथियों का, उनको भी सुप्रीम कोर्ट अन्य क्वेश्चनों के लिए जाना चाहिए। अन्य क्वेश्चनों पर भी तो लड़ाई है आपकी, अन्य क्वेश्चनों पर भी तो डिमांड है, तो इस परिस्थितियों में भी जाना है आपको, अवश्य जाना है, और इस परिस्थितियों में भी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना ही जाना है। यहां आपको ये नहीं देखना है कि सरकार जाएगी कि नहीं जाएगी, उसके पहले आपको कैवियट दाखिल कर देना है। इसके मतलब सुप्रीम कोर्ट में आपकी फाइल जा चुकी है, आपकी एप्लीकेशन पड़ जानी चाहिए, चाहे आपका नंबर बढ़े या ना बढ़े, दोनों परिस्थितियों में आपको पहले से ही आपका एप्लीकेशन चला जाना चाहिए। और उन साथियों को सबसे ज्यादा अलर्ट होना चाहिए जो नौकरी के एकदम करीब हैं, या लग रहा है कि हमको नंबर बढ़ जाएगा तो नंबर मिल जाएगा, उनको सबसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। तीसरे नंबर पे किनको सक्रिय होना है, जिनको ये लगता है याची राहत मिल जाएगी, याची राहत के लिए जो लड़के लड़ रहे हैं। याची राहत का मतलब क्या होता है, याची राहत का मतलब होता है जो लड़का कोर्ट में जाता है वो अपनी नौकरी की डिमांड करता है, मेरिट में आए या ना आए। इस तरह के प्रकरण कई मुद्दों में आ चुका है कि ऐसे पिटिशनर को लाभ दिया गया है। पहला 72825 में दरोगा की भर्ती में, तीसरा जेई की भर्ती हुई थी उसमें जो है याची राहत दी गई है। याची राहत सुप्रीम कोर्ट ही दे सकती है, इलाहाबाद या कोई भी कोर्ट जो है याची राहत। याची राहत का अर्थ ये है नौकरी देना, याची राहत का अर्थ ये नहीं होता है कि जितने पिटिशनर है उनका नंबर बढ़ा दिया जाए, इसका अर्थ ये नहीं होता। याची राहत का मतलब जितने भी लड़के कोर्ट में जा रहे हैं बिना उनका मेरिट देखे हुए उनको नौकरी दिया जाए, तब उसको याची राहत कहा गया है। हम उसको दिखे कि नहीं इनके साथ अन्याय हुआ है, इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, उसी आधार पर जो है इनको क्या होगा ना नौकरी मिल जाए, तब उसको याची राहत कहते हैं। और यदि नंबर बढ़ता है तो उसको याची राहत नहीं कहते, उसको याची राहत नहीं करते, उसको न्याय संगत कहते हैं। वो न्याय प्रणाली का एक भाग हो गया, लेकिन यदि आपको याची राहत देती है तब उसको नौकरी दे देती है, तब कोर्ट को कहता है कि अपने जो अधिकारों का
अधिकारों का पालन करते हुए, हमारे अधिकारों का पालन या अपने अधिकारों का पालन कराते हुए सरकार को ऑर्डर देती है कि आप इनको नौकरी पे रखिए। और अन्य बातें यह है कि सरकार यहाँ भाग नहीं सकती है। सरकार कैसे भागेगी, क्योंकि हम शुरू से ही मई से जैसे ही इनका जो है आंसर किया है, रिजल्ट आने के पहले से ही मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका था, अरे हाई कोर्ट जा चुका था। अब जब हाई कोर्ट में पहले से ही आप जा चुके हैं, तब सरकार के पास कोई बहाना नहीं होता है कि आप लोग अभी तक कहां थे। ये सरकार के पास कोई बहाना नहीं होता है, आप लगातार कोर्ट में मौजूद हैं, इसके मतलब आप अपने अधिकारों के प्रति सक्रिय हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आपको इग्नोर कभी नहीं करती है। अब इन्हीं मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में बहुत दमदारी से उठाना पड़ेगा, और ये दमदारी से उठाने से ही लाभ मिलेगा। जब सरकार को आप घेर ले जाए, सरकार आप फंस जाए बुरी तरीके से कि लगे कि नहीं बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है सरकार, तब आपको नौकरी मिलेगी। वहां आपको जब लगने लग जाती है कोर्ट को कि नहीं सरकार की सबसे ज्यादा कमी है और सरकार ही आपको फंसा रही है, तब आपको नौकरी मिलेगा। तो इन्हीं चीजों पे हम आप विशेष ध्यान दिए हैं कि मतलब जिनका नंबर पड़ रहा है हाई कोर्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट जाए तो ये हम बता चुके हैं, जिनका नंबर नहीं बढ़ा है वो भी नौकरी के लिए जाए या याची राहत के लिए जाए, तीन लोगों को आपको जाना है सुप्रीम कोर्ट। और ये काम पहले ही करना पड़ता है, ये काम पहले से अलर्ट रहना हो कि ऑर्डर आएगा तो हम सोचेंगे विचारेंगे तब जाएंगे, तब गलत हो जाएगा, तब समय आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको पहले से अलर्ट है, नंबर बढ़े या न बढ़े आपको पहले से सक्रिय हो जाना है। क्यों, अभी देखे होंगे बहुत सारे लड़के, अब तो नाम भी फ्रीडिंग चालू हो गया, लड़के पहले से सक्रिय हो जाते हैं कि यहाँ से अब निस्तारण हो रहा है, यहाँ से मेरा फाइनल हो गया, अगले बेंच की तैयारी उस दिन कर ली जाती है जिस दिन हाई कोर्ट में ये हो जाता है कि अब यहाँ से फाइनल ऑर्डर आने वाला, उसके पहले क्या होगा यदि आप सेटिस्फाई नहीं है या आप आगे लड़ना चाहते हैं, तो अगले बेंच की तैयारी वही दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। ये कोर्ट के लिए, जैसे आपके लिए या कोर्ट के लिए भी फायदा, दोनों के लिए फायदा। कोर्ट के लिए फायदा क्या है कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कोर्ट के बारे में, जब पहले से लड़ रहेंगे तत्काल में जाएंगे तो टाइम कम रहेगा, आपको जानकारी भी नहीं हो पाएगी, इसलिए पहले से अलर्ट होकर के ही जाना होता है। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं, अधिक से अधिक जानकारी के लिए, या जिनको ये लगता है कि नहीं कहाँ आपको जुड़ना चाहिए, कौन व्यक्ति बढ़िया से लड़ रहा है, लखनऊ से, इलाहाबाद से, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तीनों बेंचों में, ये मत सोचिए कि कौन सा व्यक्ति जो है ज्यादा नाम कर रहा है तो लड़ ही नहीं रहा है, एक फायदा भी हो जाती है, तो व्यक्ति सोचने लगता है कि कम ही लड़ रहा है और लोग बेवकूफ नहीं है जो पीछे हैं, ऐसा नहीं है। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।